नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 8 मई 2022 दिन रविवार, वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जो 5 बजे संध्या तक ही रहेंगे, उपरांत अष्टमी तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र पुष नक्षत्र रहेंगे जो 2:58 PM तक रहेंगे, उपरांत अश्वलेशा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में रहेंगे। आज के मुहूर्त में विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेंगे 11:51 सुबह से 12:45 PM तक। अमृत काल रहेंगे 7:51 AM से लेकर 9:38 AM तक। आज मासिक दुर्गा अष्टमी भी है तथा बगलामुखी जयंती भी है, तो बहुत सुंदर दिन है आज पूजा पाठ के लिए, बगलामुखी के जाप के लिए। राहु काल है 4:44 से लेकर 6:23 PM तक। 4:44 PM से 6:23 PM तक। रात्रि राहु काल है 3:47 से लेकर 5:07 AM तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और पूरे दिन चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके 11th स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ के लिए बहुत ही सुंदर समय है, लेकिन यात्रा के लिए समय सुंदर नहीं है। लाभ होगा, अध्यात्म में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अत्यधिक खर्च से आप परेशान रह सकते हैं। वाणी काफ़ी मधुर रहेगी, वाणी में आपके काफ़ी विश्वास रहेगा, तो यात्रा छोड़कर दिन आज अच्छा है। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। प्रशासन में काम करने वाले को, पुलिस में काम करने वाले को हर अनैतिक काम का सजा भी मिल सकता है, CBI इनकम टैक्स का रेड भी हो सकता है। तो विशेष करके 10:13 से लेकर 12:13 तक गलत काम से सावधान रहें। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय जो आपका है विदेश से लाभ का है, जमीन जायदाद से लाभ का है, विदेश से काफ़ी अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, कर्ज से बहुत मुक्ति मिलेगी, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। 2:58 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे अश्वलेशा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध देव हैं और बुध बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान पर। बुध आपकी वाणी में काफ़ी बुद्धिमता दे रहे हैं, बुद्धि से वाणी बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे। हालांकि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है तो और भी ज़्यादा अधिक शुभ वाणी बोलेंगे जो आपके हित में अच्छा है। 2:58 से लेकर 6:42 तक का समय काफ़ी अच्छा समय है एजुकेशन लाइन वाले के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए और आपके लिए भी व्यवसाय के लिए बहुत ही सुंदर समय है। 6:42 से लेकर 8:16 तक का समय थोड़े दाम्पत्य जीवन से प्रॉब्लम हो सकता है। 8:16 के बाद रात्रि 11 बजे तक का समय काफ़ी रोमांटिक समय है, काफ़ी नींद आएगी, हसीन सपने देखेंगे। कुल मिला के दिन आज आपका बड़ा ही सुंदर है। आज के दिन आप रविवार है, सूर्य को जल चढ़ावें, गायत्री मंत्र का जाप करें, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि। चंद्रदेव तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके 10th स्थान में बैठे हुए हैं। कार्य के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं हो सकती हैं,
लेकिन यात्रा में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, कार्य के क्षेत्र भी आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो व्यक्ति पुलिस सेवा में हैं उनके कार्य के क्षेत्र बहुत ही परिपक्व रहेंगे और अच्छे से वो कार्य करेंगे। जो प्रशासन में है, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय विदेश से लाभ का समय है, अत्यधिक खर्च का समय है। जो व्यक्ति विदेश से विशेष करके चर्म उद्योग में काम करते हैं, जो व्यक्ति विदेश में ही रह के काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय पूरे दिन का ये श्रेष्ठ समय है। 12:13 से लेकर 2:58 का समय आपके लिए शानदार समय है और पूरे दिन का अच्छा समय है। तो इस समय का लाभ उठावें, कर्म के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहें, हर काम से आपको सफलता मिलेगी। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। तो 2:58 से लेकर 6:42 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। संतान की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, आपके द्वारा किए हुए बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो समय बहुत ही शानदार है आपका। 6:42 से लेकर 8:16 तक का समय थोड़े से परेशान हो सकते हैं, हालांकि अध्यात्म में ज़्यादा रुचि रहेगी, मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के दिन आपका बहुत अच्छा है। दवा के व्यापारी के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप लगे रहें, श्रेष्ठ दिन आपका बहुत जल्द आने वाला है। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ाते हुए सूर्य के ये तांत्रिक मंत्र का जाप करें, ओम ह्रां घ्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ओम ह्रां घ्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान पर, वाणी में काफ़ी मधुरता रहेगी, माता से लाभ होने की संभावनाएं हैं, पिता से भी लाभ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपके राशि भाव के स्वामी बुध बारहवें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय है और ये पूरे दिन का बेहतरीन समय में एक है। 10:13 से 12:13, तो कर्म के क्षेत्र में लगे रहें, काफ़ी सफलता मिलेगी। 12:13 से लेकर 2:58 तक का भी समय आपके कर्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही शानदार है, हर तरफ से लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर वाला को ज़्यादा लाभ मिलेगा, फिल्मों में काम करने वाले को ज़्यादा लाभ मिलेगा, होटल में काम करने वाले को ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दिन बहुत ही शानदार है। आज के दिन आप 1.25 किलो पालक का साग या 1.25 किलो कम से कम चारा, हरा चारा किसी भी लाल गाय को खिलावें, घटना दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, पैरों में चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, वाहन से थोड़ी तकलीफ हो सकते हैं आपको, तो वाहन सावधानी से चलावें। सूर्य राहु आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, कर्म के क्षेत्र काफ़ी शानदार रहेंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए शानदार है, जो व्यक्ति बिजनेस भी करते हैं उनके लिए कर्म का क्षेत्र शानदार है, जो व्यक्ति गेहूं का बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र और बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं और आपके भाग को काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं, कुंडलिनी जागृत करने की ओर ले जा रहे हैं, तो प्रयास करें। 12:13 से लेकर 2:58 तक ये भी समय आपके लिए बहुत बुरा समय नहीं है, लेकिन फिर भी 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। आप बुध आपके बैठे हुए एकादश स्थान पर,
तो 2:58 के बाद समय आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा, लेकिन व्यय की प्रक्रिया आपकी जारी रहेगी, लेकिन समय बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यवसाय से काफ़ी लाभ होंगे, से फिल्म वाले को काफ़ी लाभ होंगे, एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है। जो व्यक्ति सेना में है, पुलिस में है, थोड़ा सावधान रहें, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, काफ़ी अच्छा समय आ जाएगा। तो 2:58 के बाद आपके समय काफ़ी अच्छे आ जाएंगे, समय का लाभ उठावे आप। और 1 बाल्टी पानी शुद्ध जल लोहे की बाल्टी से किसी भी सफ़ेद गाय को पिलावे आज के दिन सुबह में, लाभ ही लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि बैठे हुए हैं आपके 7th स्थान में मंगल के साथ, तो दाम्पत्य जीवन का तकरार आपका जारी रहेगा, व्यवसाय से भी नुकसान होने की संभावना है, पार्टनरशिप टूटने की संभावना है व्यवसाय में। शनि और शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा धर्म के प्रति भी रुचि थोड़ा सा कम हो जाएगी आपको, जिस ढंग से आप पूजा पाठ करते थे उस ढंग से पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, लेकिन अचानक धन लाभ का योग है। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, ये समय आपके भाग्य प्रबल होने का समय है, बिजनेस में लाभ होने का समय है, लेकिन जीवन साथी से सबसे ज्यादा तकरार होने का ये समय है। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है। नए नए प्रोग्राम बना देंगे, नए नए प्लान बना देंगे, लेकिन हर प्रोग्राम हर प्लान आपका फेल हो सकता है। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, अब बुध आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको, माता से थोड़ा लाभ दिला रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर वाले को लाभ दिला रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले को लाभ दिला रहे हैं, और आज के दिन विशेष करके सोशल मीडिया वाले जो संचार माध्यम से काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। 2:58 से लेकर 6:42 तक का समय आपका अच्छा है, कर्म करें सफलता मिलेगी। 6:42 से लेकर 8:16 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा नहीं है, छोटे मोटे यात्रा होंगे उसमें भी आपको परेशानी होगी, तो ध्यान दें। सिंह राशि वाले सूर्य को जल चढ़ावें और ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जाप करते हुए पुनः गायत्री मंत्र का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि चंद्रदेव पूरे दिन बैठे हुए रहेंगे कर्क राशि में, जो आपके आय भाव की राशि है, तो शानदार समय है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए हैं उनके रिजल्ट आज निकलेंगे तो बहुत शानदार निकलेंगे। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, किसी टाइप का परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है, उनके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। जहाँ तक रोमांस का समय है, रोमांस के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है आपका, काफ़ी तकरार होगी रोमांस में भी आपको। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, अचानक लाभ का समय है, आजमा के देख लीजिए, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ होगा। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, प्राकर्म भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य काफ़ी साथ देगा। बुध आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, और चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो ये समय पूरे दिन का आपके लिए शानदार समय है। मन ठीक रहेगा, इनकम होंगे, मान प्रतिष्ठा मिलेगा। तो 2:58 से लेके 6:42 तक का समय बहुत ही अच्छा है। 6:42 से लेके 8:16 तक का समय, पैटर्नल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपने सूझबूझ से उसे भी सुलझा लेंगे। आज के दिन आप सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ावें, और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 1.25 किलो उड़द का दाल किसी भी ब्राह्मण को दान करें, काफ़ी लाभ होगा आपको। आज के दिन बगलामुखी जयंती भी है, तो बगलामुखी के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 10वें स्थान पर,
कर्म के क्षेत्र को काफी बढ़ा रहे हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है और चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। संतान को आज काफी लाभ होगा, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है संतान का। शनि तीसरी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, जहाँ सूर्य राहु पहले से मौजूद हैं, दाम्पत्य जीवन की स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम में दिखलाई दे रही है। व्यापार की स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम में दिखलाई दे रही है। पार्टनरशिप से आपको नुकसान हो सकता है, पार्टनर आपसे साजिश कर सकते हैं। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, ये समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन इस समय बहुत सारे हमारे युवा युवती घर से भाग के भी शादी कर सकते हैं, तो समय उनका है। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे ब्लूप्रिंट बनाएंगे। बुद्धि काफी तीव्र रहेगा, लेकिन कोई भी काम बहुत ज़्यादा लागू होने की स्थिति नहीं बनती है। तो आज के दिन आप 1.25 किलो दही किसी भी बुजुर्ग पुजारी को दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके नवम भाव में, शनि के नक्षत्र में है, शनि चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। माता के स्वास्थ्य से आपको परेशानी होगी, भाई से आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद के कारोबारी को नुकसान होगा, ग्रोसरी के कारोबारी को लाभ होगा, फिल्मों में काम करने वाले को लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री वाले को काफ़ी लाभ होगा। 10:13 से लेकर 12:13 तक यात्रा का योग है। सरकारी तंत्र में भी अगर हैं तो उनसे भी यात्रा हो सकती है और यात्रा के परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा वाले बच्चों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय आपके काफ़ी लाभ का है, संतान के काफ़ी लाभ का समय है, हर तरफ से आपको लाभ होगा। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, व्यापार से काफ़ी लाभ होगा 2:57 के बाद। 6:42 से लेकर 8:16 तक का समय, विदेश से काफ़ी लाभ होंगे आपको, यात्रा का दूर यात्रा का योग है, विदेश जाने का भी योग है। लेकिन माता के स्वास्थ्य की परेशानी के कारण आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। तो आज के दिन आप वृषभ राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, सूर्य को जल चढ़ावें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में, कर्क राशि में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि तृतीय में बैठे हुए हैं, यानी अष्टम से अष्टम शनि बैठे हुए हैं, तो समय कहीं से भी अच्छा नहीं है आपका, एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। रोग भी हो सकता है, अजीब टाइप का लांछन भी आप पर लग सकता है, तो सावधानी बरते हैं आप। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, ये समय आपको शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ का समय है, शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभ ले सकते हैं। संतान आपकी बात को नहीं मानेंगे, संतान पक्ष से निराशा होगी। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय आपको लाभ का समय है, यात्रा से काफ़ी लाभ होगी, जमीन जायदाद के व्यापार करने वाले को काफ़ी लाभ मिलेगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। 12:13 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके 6 स्थान में बैठे हुए हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा वाले को काफ़ी लाभ मिलेगा, उसमें से रिजल्ट निकलने वाले को काफ़ी लाभ मिलेगा, तो इस समय से आपका दिन ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। 2:58 से लेकर 6:42 तक का समय, आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी, आप हर काम में लगे रहें, मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का जरूर जाप करें, पिता का पैर छू के प्रणाम करें, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्रदेव शनि के नक्षत्र में हैं, शनि आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, तो किसी न किसी तरह से
पैटर्नल संपत्ति में उलझने हो सकती हैं, तो उसे देख समझ के आप काम करें। वाणी में भी काफी कठोरता रहेगी, तो उस पर भी संयम रखें। सूर्य राहु बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, हृदय रोगी पूरी तरह से सावधान रहें। खान पान पर विशेष ध्यान दें, भौतिक सुख का आराम आज नहीं मिल पाएगा। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय माता के स्वास्थ्य से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान दें। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय पैटर्नल प्रॉपर्टी में जो उलझने होंगी, ये समय सुलझने का है। ये समय थोड़ा सा यात्रा करने का है, भौतिक सुख सुविधा के सामान खरीदने का है, और सारे मनोकामना आपके पूरे होंगे। विशेष 12:13 से लेकर 2:58 तक का आपके सारे मनोकामना पूरे होंगे। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके पंचांग में बैठे हुए हैं, संतान से काफ़ी लाभ मिलेगा, संतान के रिजल्ट अच्छे होंगे। संतान उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए पूरी तरह से इंटाइटल हैं, ग्रह नक्षत्र भी उनका एडमिशन कराएगा। 2:58 से लेकर 6:52 तक का समय बहुत ही शानदार है, लाभ ही लाभ है। 6:42 से लेकर 8:16 तक का समय कर्म के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो आज के दिन आप पिता का पैर छू के प्रणाम करें, सूर्य को जल चढ़ावें और बैठ के केवल गायत्री मंत्र का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके राशि और लग्न पर बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका प्रॉब्लम में डालेगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी दें। बृहस्पति शुक्र आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी मदद कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले को काफ़ी मदद कर रहे हैं, समय अच्छा है ये। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, काफ़ी लाभ देंगे, व्यवसाय में भी काफ़ी लाभ देंगे, जनता के बीच आपके बुद्धि की काफ़ी तारीफें होंगी, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ होगा, धर्म के क्षेत्र में काफ़ी उत्साहित रहेंगे, अचानक गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ हो सकता है। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, अब बुध आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, माता से काफ़ी लाभ दिलावेंगे, ग्रोसरी के व्यापार में काफ़ी लाभ दिलावेंगे, तो समय आज के आपका बहुत ही अच्छा है, इस समय का फायदा उठाएं और अपने काम में लग जाएं, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके पंचम में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि 12वें में चले गए हैं, मंगल के साथ चले गए हैं, संतान के स्वास्थ्य से थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, जमीन जायदाद के काम करने वाले को परेशानी हो सकती है, फिल्मों में काम करने वाले के लिए समय शानदार है। बुध आपके बैठे हुए हैं पराक्रम स्थान पर, बुद्धिमत्ता का पराक्रम दे रहे हैं आपको, आप बुद्धि से अपने सारे काम को निपट सकते हैं। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय, ये समय विदेश से अच्छे समाचार आने का समय है, बाकी समय आपका कहीं से अच्छा नहीं है। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लाभ होने की संभावनाएं हैं, संतान से भी लाभ होंगे, भाग भी परम सीमा में चढ़ा हुआ रहेगा, हर क्षेत्र में आपको इस समय लाभ मिल सकते हैं। 10:13 से लेकर 12:13 तक का समय थोड़ा पैतृक संपत्ति में उलझन का समय है, पैतृक संपत्ति से आपको नुकसान होने का समय है, तो ध्यान देंगे। 12:13 से लेकर 2:58 तक का समय थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उससे कम ही मिलेगा आपको। 12:13 से लेकर 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, यात्रा से आपको लाभ दिलावेंगे, चंद्रमा आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, संतान पक्ष को लाभ होगा,
12:13 से लेकर 2:58 तक का समय, ये समय बहुत ही शानदार है। दान पुण्य पर आप विश्वास करेंगे, समाज सेवा पर विश्वास करेंगे और दिन शानदार गुजरेगा। 2:58 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम बढ़ावेंगे, बड़ी बहन से फायदा दिलावेंगे, तो समय काफ़ी आपका अच्छा है। 2:58 से लेकर 6:42 तक का समय, ऑफिस के काम से यात्रा हो सकता है और यात्रा से आपको लाभ होगा। 8:16 से लेकर 10:00 तक का समय, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाएंगे, तो मीन राशि वाले दिन आपका आज मिला जुला ही है। रविवार के दिन है, सूर्य को जल चढ़ावें, गायत्री मंत्र का पाठ करें तथा शनि के मंत्रों का पाठ करें वहीं बैठकर। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशि फल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल स्थितवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।